राजस्थान के भीलवाड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में मैन सरजूदास को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग से यौन शोषण और एसिड अटैक के आरोप में डांग के हनुमान मंदिर के मुख्य महंत सरजूदास को भीलवाड़ा पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक नाबालिग लड़की की मां ने महंत सरजूदास पर एसिड अटैक और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज तड़के 8 थाना की पुलिस ने महंत सरजूदास को गिरफ्तार किया है। सरजूदास ने पुलिस को देख विषाक्त दिखाया। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और एसिड अटैक के आरोप में मैन सरजूदास को गिरफ्तार किया है। पूरी अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भीलवाड़ा में नाबालिग से यौन शोषण करने और आरोप के आरोप में महंत सरजूदास को गिरफ्तार किया गया। इससे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि 8 थानों की विशेष पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसको गिरफ्तारी कल हुई थी, लेकिन इस पर एसिड अटैक का भी आरोप था नाबालिग से और पूछताछ के दौरान इसने तबियत बिगड़ने की बात कही थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि चंचल शर्मा एएसपी शाहपुरा, भीलवाड़ा के शाहपुरा के चंचल शर्मा एएसपी ने इसको अपनी मॉनिटरिंग में गिरफ्तार किया गया है। ये चंचल शर्मा वो चंचल शर्मा है जिसने आशाराम बापू को गिरफ्तार किया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जब जैसे ही महेंद्र से पुलिस को देखा अपने आसन के आसपास देखा, तुरंत इसने विषाक्त का सेवन कर लिया था, जिसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस ने आनंद फानंद में कोताही नहीं बरतते हुए तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे इसकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टर की प्रमुख डॉक्टरों की जो टीम है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके लिए मैं बता दूं, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मांडल, आशिंद, करेड़ा, पनेड़ा, रायला, बागोरा और पुर थाने के पूरी जाब्ते के साथ पुलिस थानों की पुलिस 8 थानों की पुलिस ने इस पर गैर मारी और उसको गिरफ्तार किया है। और मैं बता दूं आपको कि सरजूदास जो महाराज है वो डोंग एक महन डोंग मंदिर है, हनुमान मंदिर है डोंग में, वहां के मुख्य महन जा रहे हैं। पहले के भी कुछ आरोप लगे हैं, उनकी बारीकियों से करी है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि पुलिस कहां तक इस हिसाब का खुलासा कर पाती है, क्योंकि पुलिस लगातार कैमरे के सामने बस्ती में नजर आ रही है, लेकिन एएसपी जो चंचल मिश्रा है वो लगातार पूरी डिटेल दे रही है, मीडिया को भी ब्रीफ कर रही है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि महंत ने जो भी कांड किए थे या फिर जो भी नाबालिग से यौन शोषण का मामला सामने आया था, उस पर पुलिस कड़ाई से कोताही नहीं बरतते हुए निगरानी कर रही है। जी खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, आप देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़।